जय हिंद दोस्तों। दोस्तों देखते हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल में नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो होता क्या है, कैसे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कैसे आपके 15 या 20 नंबर बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो पहली बात मैं दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके क्या हो सकता है। अगर आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है दोस्तों रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स इसको बोल सकते हैं जो आपके आंसर की में नेगेटिव वेगेटिव के बाद आ रहा है, ठीक है, या तो आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया है उसके बाद जो फाइनल मार्क्स आता है उसको रॉ मार्क्स कहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों इसमें ऐड होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसमें ऐड होता है, तो जो फाइनल मार्क्स होता है वही क्या होता है, टोटल होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी इंक्रीज होता है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको ऐड करके, आंसर की ऐड करके फाइनल मार्क्स जो होता है, जो कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा वहां आपको पता चलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसमें सारा एक डिटेल दिया होता है। ठीक है, डिटेल क्या दिया होता है दोस्तों, रॉ मार्क्स दिया होता है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड होकर क्या होता है कि एक फाइनल आपका, फाइनल एक आपका मार्क्स डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका फाइनल मार्क्स डिक्लेयर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये है, ये होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अगर आपने रिसेंटली कोई एग्जाम दिया होगा तो फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला पे हमको समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, वो लोग फॉर्मूला पे ही कैलकुलेट करके बताते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों होता क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकेंड शिफ्ट होता है, थर्ड शिफ्ट होता है। आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए आपने तीन तीन शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, ठीक है, तीन शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया। तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है कि आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों क्या हो रहा है, 50 मार्क्स आ रहे हैं। थर्ड शिफ्ट में दोस्तों क्या हो रहा है, आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं। अब होता क्या है, आप इस बात को समझिए कि जो 70 मार्क्स होता है, जो 50 मार्क्स होता है, जो 60 मार्क्स होता है, वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का नहीं होता। वो क्या है कि जिस शिफ्ट में सभी पेपर दिए हैं तो उनका एवरेज निकालते हैं, यहाँ से एवरेज निकालते हैं, यहाँ से एवरेज निकालते हैं, पर्टिकुलर डे का। मैं दोस्तों ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, पर्टिकुलर डे का निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है, ये बात आप समझिए कि जिसके मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकेंड शिफ्ट हो गया, थर्ड शिफ्ट हो गया, जिनके 70 आ रहे हैं, यहाँ 50 आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ 60 आ रहे हैं, तो होगा क्या, जिनके 70 आ रहे हैं तो ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इनको 20 मार्क्स दे देंगे, इनको क्या कर देंगे, 10 मार्क्स दे देंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 मार्क्स थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में दे देते हैं अगर ज़्यादा हार्ड आता है। तो अब क्या होगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसी को ही नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वो ओवरऑल मार्क्स देखते हैं, ओवरऑल उस कैलकुलेशन पे देते हैं। और दूसरा एक मेथड होता है दोस्तों, ये शिफ्ट वाइज होता है। एक होता है कि मान लीजिए आपका दोस्तों एक 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 तारीख को, 1 तारीख को आपको पेपर हुआ, 4 तारीख को हुआ, 7 तारीख को हुआ, ठीक है, सभी सभी तारीख को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस डेट में जो ओवरऑल मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए 70 आ रहा है, इस में 60 आ रहा है, इसमें 55 आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद भी ये नॉर्मलाइजेशन है, मतलब जो कैलकुलेशन होता है वो इसको भी एक क्राइटेरिया लेकर चलता है कि ये जो तारीख है यहाँ 70 नंबर आया है, यहाँ 60 नंबर आया है, 55 नंबर आया है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ भी ये लोग 10 नंबर दे देते हैं, यहाँ भी ये 10 नंबर दे देते हैं, तो ओवरऑल जितने भी डेट हैं उन डेट को भी एवरेज बना देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अकॉर्डिंग टू आपका मार्क्स कितना है, अकॉर्डिंग टू दोस्तों आपका मार्क्स कितना है, उस हिसाब से ये लोग बनाते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता है और इसी के अकॉर्डिंग होता है। अब दोस्तों होगा क्या, होता क्या है कि अब क्या है कि आपका जो पेपर हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका पहले जो पेपर हुआ है, अगर आपने पेपर का रिव्यू देखा होगा तो पहले जो मार्क पेपर हुआ है वो पेपर मान लीजिए ईजी आया है, आपको पता होगा, अगले डेट में और कुछ लास्ट डेट में, कुछ शिफ्टों में दोस्तों यहां मीडियम आ सकता है, यहां मान लीजिए टफ आता है। तो अगर आपको आइडिया लगा होगा, आपने रिव्यू देखा होगा, अगर आपको लगा होगा कि ये शिफ्ट ज़्यादा आसान आया है, ये शिफ्ट मीडियम आया है, ये शिफ्ट टफ आया है, मेरा टफ आया है, तो समझ लो कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कौन सा शिफ्ट टफ आया है, कौन सा मीडियम आया है, कौन सा इजी आया है, तो मेरे को कमेंट में जरूर करें। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो शायद मैं ये वीडियो कल तक बना दूं, ठीक है, कि उसी के क्राइटेरिया जो आप लोगों के पेपर्स के रिव्यू थे उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा वीडियो। और जो मैंने पहले वोटिंग की थी कि कौन सा शिफ्ट टफ आया था, कौन सा हार्ड आया था, जिस हिसाब से रिव्यू होता था तो स्टूडेंट बताते थे कि हाँ इस शिफ्ट में थोड़ा पेपर आया है टफ, तो ओवरऑल मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्राइटेरिया जरूर बता दूंगा कि हाँ ये शिफ्ट थोड़ा टफ आया था, तो यहाँ दोस्तों 15 से 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जरूर कमेंट पे मेरे को बताएं। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से शिफ्ट टफ था, कौन कौन से हार्ड था, कौन कौन सी डेट में, ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊँगा अगर आप कमेंट में करेंगे। और साथ में बता रहा हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ठीक है, बेल आइकॉन दबा लें दोस्तों, बेल आइकॉन दबा लें। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है जहाँ की मैं सर्वे ले रहा हूँ, उस सर्वे में आप भी इन्वॉल्व हो, मतलब कि मैं उसमें सर्वे लेने वाला हूँ कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर आप टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए। साथ में दोस्तों मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम नहीं पता तो कुछ नहीं, प्ले स्टोर में आप जाएं, प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, और कुछ नहीं दोस्तों आपको सिर्फ रेलवे डालना है, सर्चिंग में आपको रेलवे डालना है, उसमें दोस्तों 83,000 का चैनल है मेरा, रेलवे का ही, रेलवे दिख जाएगा आपको, ठीक है, तो उसको ज्वाइन हो जाइए और वहाँ वोटिंग दीजिए। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों मार्क्स ऐसे ही मिलेगा अगर आपका शिफ्ट दोस्तों टफ था, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन समझाया है, अगर आपका शिफ्ट टफ था तो वहाँ क्या होगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ईजी होगा तो दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में जो ईजी शिफ्ट होते हैं तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स डिक्रीज होते हैं। बहुत लोग दोस्तों अगर बोल दें 15 से 20 मार्क्स डिक्रीज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 से 3 मार्क्स ही डिक्रीज होते हैं, हाँ डिक्रीज होते हैं, कभी कभी डिक्रीज नहीं होते, जितने मार्क्स होते हैं उतने ही होते हैं। तो दोस्तों जो भी उन लोग का क्राइटेरिया होता होगा, एक तो आरआरबी का इस बार जो दोस्तों जेई का फॉर्मूला आया है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो शायद आप लोग का भी ऐसा हो कि आप लोग का भी फॉर्मूला चेंज हो जाए जो कि नॉर्मलाइजेशन में वो यूज करते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, या तो नंबर इंक्रीज हो सकते हैं या तो नंबर कम इंक्रीज हो सकते हैं। तो नया एक पैटर्न आया है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, जो आंसर किया आया था दोस्तों उसमें ऐसा था, बताया गया था कि आपके जो क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग का डाउट अभी भी है कट ऑफ का। दोस्तों अगर आपके आंसर की में मार्क्स में, आंसर की और रॉ मार्क्स में दोस्तों मैं इतना बता दूं, अगर आप जनरल में हैं ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, अगर आप दोस्तों जनरल में हैं और 60 से 65 आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें लगभग समझ लीजिए 5 से 10 नंबर तो बढ़ता ही है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन और फाइनल मार्क्स की नहीं बात कर रहा हूँ, इतना अगर मार्क्स आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, चाहे आप कहीं भी जोन के हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, ठीक है। कैटेगरी आप देख लीजिए, अगर आप ओबीसी से हैं, मतलब पोस्ट वाइज कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप दोस्तों 55 से लेकर यहाँ 60 आ रहे हैं तो आप यहाँ सेफ हैं ओबीसी में। एससी में देखिए दोस्तों 50 से लेकर 55 तक, और एसटी का देखिए दोस्तों 46 से लेके 51 तक, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में के पहले, तो आप सेफ हैं। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इतना ही कट ऑफ जाएगा जहां तक आपका पैरामेडिकल की बात है, क्योंकि पेपर दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत टफ आया था या बहुत ईजी आया था, मॉडरेट पेपर आया था, पेपर जो है मॉडरेट आया था, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है आपके, अब इसमें दोस्तों साथ में आपको इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है कि कट ऑफ जो दोस्तों होगा आपका, कट ऑफ जो होने वाला है वो देखिए आपके नॉर्मलाइजेशन बेस पे होगा, जो कि मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन का बताया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो भी मैंने कल, हाँ मैं कल शायद वीडियो ले आऊँ नॉर्मलाइजेशन का वीडियो ले आऊँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी कुछ बातें, मैं कुछ आपको चीज़ें और बता देता हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे
जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले वीडियो बनाए थे, तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं एक बार हल्का से आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने रॉ मार्क्स स्टाफ नर्स का कट ऑफ बताया था, आप देख सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया था पैरामेडिकल का कट ऑफ, और ये मैंने दोस्तों बताया था पैरामेसिस्ट का G3 का कट ऑफ बताया था। तो आप इसको इसको आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए। तो ये था दोस्तों कुछ वीडियो, कल मैं वीडियो लाऊंगा नॉर्मलाइजेशन का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है दोस्तों।